नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। कोविड-19 एक ऐसी महामारी है जिसने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और इस गिरफ्त को अपनी जान जोखिम में डालकर ढीला करते हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, इन सभी को क्राइम पेट्रोल की टीम की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। जहां एक तरफ इस महामारी में इंसानियत के नए मकाम देखने को मिले, वहीं जुर्म की नई और भयानक शक्ल भी सामने आई। गुड़िया में तेरी बहन है शाली। गुड़िया मुझे देख, शांत सा। अच्छा अच्छा मेरे पास देखना गुड़िया, जिसने भी तेरी हालत की है, तेरे साथ गलत किया, भगवान उसे कभी नहीं छोड़ेंगे, उसे सजा जरूर मिलेगी। माँ मैंने कोई गलत काम नहीं किया, माँ सच में माँ कुछ भी करके ना मुझे बाहर निकाल देना। माँ तू फिक्र मत कर, तेरी माँ जिंदा है ना, हम कुछ ना कुछ करके तुझे छुड़वा ही लेंगे, तू फिक्र मत कर। हर तू खाली माँ तू खाली बोलती बस, तू समझ नहीं रही कितनी तकलीफ होती है यहाँ पे। अरे आप मैं बस यहाँ से गुजर रहा था वैशाली, तो सोचा बस तुमसे हालचाल पूछता चलूं, बाकी सब ठीक है ना घर पे? अरे अरे ये हमारी छोटी गुड़िया कैसी है? अरे दिखाओ दिखाओ गुड़िया, दिखाओ तू गुड़िया, अरे दिखाओ तो सही। अरे लगता है गुस्सा हो गई इसलिए जवाब नहीं दे रही, जाने दो बच्ची तो है। अच्छा वैशाली मैं बस यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत हो ना, पैसे की, पानी की, राशन की, तो बिंदास मुझे बोले, ठीक है? माँ मैंने मना किया था ना आपको। तेरे मना करने से हम क्या हमारे बेटे को जेल में सड़ने देंगे? तू कुछ भी बोल, हम हमारे बेटे को छुड़वा के रहेंगे। माँ पर ए लड़की बाहर क्या कर रही है तू? मालूम नहीं है क्या जनता कर्फ्यू है? चल घर जा। सुनाई नहीं देता, चल घर जा। क्या हुआ, घर कहाँ है? ये क्या कर रहे हैं? बच्ची है वो, दिमाग से 5 साल की बच्ची है। हाँ तो उसे घर ले जाओ, जनता कर्फ्यू है पता है ना? चलो जाओ घर जाओ। शांत तुझे बेटा, शांत तुझे देख दिख गया वो, दिख गया। शर्म आती है मुझे तुझे अपना भाई कहते हुए, या जैसी मासूम लड़की के साथ ऐसा गलत काम करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अरे कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया। रेनू रेनू तुझे ना जो बोलना है तू बोल ले, बोलने पर बैठ बहन मेरा इतना गलत काम कर दे, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे, मर जाऊंगा रे मैं सच में। तू मर भी जाएगा ना तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, तेरा सगा भाई हूँ। नहीं चाहिए मुझे ऐसा भाई जो लड़की की इज्जत करना नहीं जानता। सर यहीं पे, इसी के लायक है तू। बहन ए बहन बहन बंद कर गुड़िया, चल घर चल चल। रेनू नहीं है माँ, अपनी जान दे रही हो, घर वापस आ जाओ। देख हम कुंदन की बेल करवाए बगैर घर नहीं आएंगे। कुंदन की बेल? माँ पूरे शहर में लॉकडाउन है, आप फंस जाओगी। हमें हमारी चिंता नहीं है, लेकिन हम कुंदन को बाहर निकाल के रहेंगे। माँ प्लीज आप वापस आ जाओ, आप जानती हो ना ये गांव वाले कैसे हैं, मेरा जीना हराम कर देंगे। ठीक है तू घबरा मत, हम आ रहे हैं। पर माँ आप आओगे कैसे,
लॉकडाउन की वजह से बस ट्रेन सब कुछ बंद है। हम बस अपने गांव से 20 किलोमीटर पर हैं, पैदल चल के आ जाएंगे, कुछ भी करके घर पहुंच जाएंगे हम, तू चिंता मत कर। हाँ ठीक है। क्या इधर? पता नहीं कोरोना बीमारी चल रहा है, ऐसे कोई भी गांव में नहीं घुस सकता। चलो। पर हम विदेश से थोड़ी ना आ रहे हैं, इसी गांव में रहते हैं, दो दिन शहर गए थे बस वापस आ रहे हैं। दो दिन तो क्या, दो घंटे के लिए भी कोई गांव से बाहर गया ना तो बिना निगेटिव टेस्ट के अंदर नहीं आ सकता। तो भी हम फिलहाल क्वारंटाइन सेंटर भेज देते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। नहीं हम घर जाएंगे। अरे ऐसे कैसे घर, रुको। अच्छा सुन, क्वारंटाइन सेंटर नहीं रख सकते, तुझे पंचायत घर में रहना होगा। ये गांव तेरे बाप का नहीं है, हम अपने घर जाएंगे, तू या तेरा सरपंच हमें नहीं रोक सकता। क्यों चिल्ला रही है? हेलो रेनू। वहां कहां हो आप? हम गांव पहुंच गए हैं, लेकिन ये सरपंच के चमचे गोपाल ने हमें पंचायत घर में बंद करके रखा है। बोलता है बाहर से आने वालों को गांव में मंजूरी नहीं है। लेकिन तू घबरा मत, हम घर आ जाएंगे, तू बस दरवाजा खुला रखना। हाँ सरपंच और उसका चमचा हमें नहीं रोक सकता। ठीक है। हे लड़की, आधी रात को तुझे नाचने का शौक चढ़ा है जब सारी दुनिया सो रही है। हे लड़की बंद कर ये सब। अरे क्यों दुनिया को परेशान कर रही है? अरे क्या हुआ गुड़िया? गुड़िया क्या हुआ गुड़िया? रात को नाच गाना शोर मचा के सारी दुनिया की नींद हराम करके रखी है उसने। नहीं नहीं सब बच्चे, मैं इसको समझा दूंगी। गुड़िया रोना बंद, गुड़िया उतार, सब मैं उतार दूंगी। अरे क्या हुआ? सुधा, सुधा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो सुधा। अरे बीमारी नहीं है ना मिश्रा, इसलिए लोगों को समझ नहीं आ रही। और इसीलिए इसे गंभीरता से नहीं ले रहे, फिजूल में बाहर घूमने के बहाने ढूंढ रहे। लोगों को समझाना हमारा काम, जो हम करेंगे। बाकी तुम बस इतना ध्यान रखो कि पुलिस स्टेशन में सब मास्क लगा के रखें, हाथ सैनिटाइज करते रहें, और हाँ बात करते समय कम से कम 1 मीटर की दूरी बना के रखें। सब सब वो गोपाल उसने मेरे साथ जबरदस्ती क्या सब क्या सब हम 2 दिन पहले शहर गए थे सब, कल दिन में लौटे तो सरपंच के चमचे गोपाल ने हमको गांव के बाहर पंचायत घर में रखा, बोला वो क्वारंटाइन सेंटर उधर नहीं रख सकते। फिर रात को आके हमारे साथ जबरदस्ती किया साहब, उसने ये सब सरपंच के कहने पे ही किया साहब। लेकिन सरपंच ऐसा क्यों करवाएगा साहब? सरपंच बहुत कमीना आदमी है साहब, उसने हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। पहले हमारे बेटे को फंसाया, उसके बाद हमारे साथ ये जबरदस्ती किया साहब,
हम तो उसके पास हाथ जोड़ के मदद मांगने गए थे साहब। साहब, साहब, मेरी मदद कीजिए साहब, हमारे बेटे को बचा लीजिए साहब, हम आपके हाथ जोड़ते हैं साहब, उसने कुछ नहीं किया साहब, हमारे बेटे को बचा लीजिए। पूरा गांव तुम्हारे बेटे के खिलाफ है, गुस्से में अगर उसे कोई मार दे तो कोई भरोसा नहीं है, लेकिन हम गांव के सरपंच हैं, हम कुछ कहेंगे तो गांव में किसी के पास भी हिम्मत नहीं है हमारी बात को टाल दे। हम तुम्हारे बेटे को बचा सकते हैं। साहब, साहब मैं आपके पास पड़ती हूँ साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए साहब। इसकी क्या जरूरत है, लेकिन बदले में हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। ठीक है करें आप, हम तो आपसे मदद मांगने आए थे, लेकिन आप हमारे साथ ये घटिया काम कर रहे हैं। बहुत शरीफ समझते थे आपको, लेकिन आप तो बहुत कमीने निकले। नहीं चाहिए आपकी मदद हमें, हम खुद ही कुछ कर लेंगे। साहब, साहब आप चलो, हमने पंचायत घर के कमरे में गोपाल को बंद करके रखा है साहब। आप फिक्र मत करो स्मिता मैडम, इन्हें मेडिकल के लिए ले जाओ। मिश्रा, उठा के ले आओ उस गोपाल को। सर। अरे खोलो। अरे साहब, साहब लेकिन सुनिए तो साहब, मत मारो साहब, साहब कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया मैंने, कुछ साहब मेरे इज्जत बात करो साहब, बोल साहब, वो हमने कुछ नहीं किया साहब, वो बुढ़िया झूठ बोल रही है साहब। झूठ बोल रही है? गांव में क्वारंटाइन सेंटर होते हुए भी तूने उसे पंचायत घर में बंद कर दिया। पंचायत घर में एक क्वारंटाइन सेंटर तेरे बाप ने बनवाया? साहब हम उसे क्वारंटाइन सेंटर ही ले जाने वाले थे, लेकिन सरपंच जी ने वहां लेके जाने से मना कर दिया, इसलिए फिर इसे हम पंचायत घर ले गए। झूठ बोलता है तू? उसे पंचायत घर इसलिए ले गया ताकि तू उसका रेप कर सके? सब आपको हम पर यकीन नहीं है ना, तो आप सरपंच जी से पूछ लीजिए साहब, उनके कहने पर ही इसे पंचायत घर में ले गए थे हम लोग। ये हमने कहा था गोपाल से कि सुधा को गांव के बाहर वाले पंचायत घर में रखें। क्यों? क्योंकि आपकी उस पे नजर थी। ये क्या बोल रहे हो आप इंस्पेक्टर, हमने ये सब उसकी भलाई के लिए तो किया था। उसके बेटे ने गांव की एक लड़की के साथ बलात्कार किया है और गांव में उसके साथ कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। क्वारंटाइन सेंटर भेजते तो बेकार का बवाल हो जाता, इसलिए हमने उसे पंचायत घर में भेजा। भलाई तो दिखाई दे रही है, आप ही के आदमी ने इसीलिए उस बेचारे का रेप कर दिया। आप बिना उस परिवार को जाने कुछ ज्यादा ही तरफदारी कर रहे हैं इन लोगों की। उसके बेटे ने एक साल पहले गांव की एक लड़की है गुड़िया, उसका बलात्कार किया है, जो मानसिक रूप से कमजोर है, उसका भी इन लोगों ने फायदा उठाया। पूरा गांव उनके खून का प्यासा बन गया था। वैसे तो इस परिवार को कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अगर सचमुच सुधा का रेप हुआ है तो वो गांव का कोई भी आदमी कर सकता है। और रही बात गोपाल की, तो हम उसे अच्छी तरह जानते हैं, वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। वैसे तो बहुत कुछ जानते हैं आप, जो नहीं जानते बहुत जल्द हम आपको बताएंगे। किसने क्या किया, कौन क्या कर सकता है, कौन क्या करवा सकता है। अभी आप जा सकते हैं। सर, सर सुधा की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उसका रेप तो हुआ है सर, उसका कोरोना टेस्ट किया है, रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। मिश्रा, सुधा को घर छोड़ दो, उससे कहो 14 दिन के लिए घर में ही क्वारंटाइन रहे। जी सर। सुधा ने बताया था कि कल रात 7 और 8 बजे के बीच उसकी रेनू से फोन पे बात हुई थी। हेलो रेनू, माँ कहाँ हो आप? मतलब जो कुछ भी हुआ है उसके बाद लेट नाइट हुआ है। सर सरप्राइजिंग बात यह है कि तब सब कुछ शांत सुनसान होता है, फिर भी किसी ने ना कुछ देखा ना कुछ सुना। हाँ तो लॉकडाउन है, एक कॉन्स्टेबल की ड्यूटी रही होगी बाहर। जी सर, इनकी। जी सर। आँख बंद करके ड्यूटी कर रहे थे, जो ना कुछ दिखाई दिया ना कुछ सुनाई दिया। सॉरी सर, पर इलाका बहुत बड़ा है, अकेले सब तरफ ध्यान देना। बहाने मत बनाओ, साफ साफ कहो के सो रहे थे। जी सर, मैं सो नहीं रहा था, वो सामने वाले घर में एक लड़की रहती है, रात में शोर मचा रही थी, मैं वहाँ चला गया था उसे शांत कराने के लिए। हाँ सर, पर उससे पहले मैंने किसी औरत को देखा था बाहर गली में। मतलब तुम्हें पता था मर्डर हो चुका है यहाँ? नहीं सर, मैं ड्यूटी कर रहा था तभी देखा कि एक औरत। तुम भी अपना और बच्चों का ध्यान रखना। हाँ कौन है उधर, घर से बाहर क्यों निकली? पता नहीं कोरोना की बीमारी फैली है,
ए, रुक। अच्छा मैं बाद में फोन करता हूँ, बाद में फोन करता हूँ। रुको, भाग गई। पता नहीं कैसे लोग रात को भी चैन से रहने नहीं देते। उसके बाद सर मैं वहाँ, वो गुड़िया पैरों पे घुंघरू पहन के नाच रही थी, उसे चुप कराने के लिए चला गया था, उसी में बिजी हो गया था सर। क्या आप किसी ऐसी औरत को जानती हैं जिसकी रेनू से दुश्मनी हो, जो रेनू का कत्ल कर सकती हो? ये सब उस सरपंच ने किया। पहले मेरे बेटे को झूठे बलात्कार के केस में फंसाया उसने, फिर हमारे साथ जबरदस्ती की और फिर हमारी बेटी को मार दिया अपने बेटे के लिए। उसका नालायक बेटा हमारे कुंदन से जलता था, जैसा बाप कमीना वैसा बेटा कमीना। सुधा जिसके बेटे कुंदन पर गुड़िया के बलात्कार का केस चल रहा था, वो उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, पर अफसोस कि वो खुद बलात्कार का शिकार हो गई और उसकी बेटी रेनू की हत्या हो गई। पुलिस के सामने एक नहीं तीन केसेस थे, गुड़िया का बलात्कार, सुधा का बलात्कार, और ये तीनों केसेस आपस में जुड़े हुए थे। कॉन्स्टेबल ने रेनू के कत्ल की रात रेनू के घर के बाहर किसी औरत को देखा था। कौन थी वो औरत और क्या उसका इस केस से कोई कनेक्शन था? सुधा बार बार सरपंच और उसके बेटे पर इल्जाम लगा रही थी और सरपंच के कहने पर ही उसे गांव के पंचायत घर में क्वारंटाइन किया गया था। लेकिन गुड़िया के परिवार में तो कोई भी पुरुष सदस्य नहीं था, तो फिर सुधा के बलात्कार और रेनू के कत्ल के पीछे का मकसद क्या हो सकता है? क्या सुधा के परिवार के साथ हुए ये अपराध कुंदन के तथाकथित गुड़िया का बलात्कार करने का बदला थे? दिमाग खराब हो गया उस सुधा का। हमारा और हमारे बेटे का, उसका रेप और उसके बेटी के मर्डर के साथ कोई संबंध नहीं है। इंस्पेक्टर, हम गांव के सरपंच हैं, लोग हमारे पास अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, तो वैसी ये वैशाली हमारे पास आई थी मदद मांगने के लिए कि उसकी बहन गुड़िया का और सुधा के बेटे कुंदन ने रेप किया है, तो हम उसे न्याय दिलवाएं। तो हम उस वक्त थोड़ा बिजी थे, तो हमने अपने बेटे को भेज दिया कि जाके देख क्या है। तो वो पुलिस के पास गया और उसने उस कमीने को गिरफ्तार करवाया, और बस तभी से उसके साथ कुछ भी होता है तो ये हम पर इल्जाम लगा देती हैं। वैसे आपका बेटा प्रताप है कहाँ? वो तो अपनी नानी के पास गया हुआ है, मेरी पत्नी और वो लॉकडाउन के पहले ही वहाँ गए थे। बेहतर होगा अपने बेटे प्रताप को यहाँ जल्दी बुला लें, उससे कुछ सवाल जवाब करने हैं। ठीक है, बुला लेंगे, उसमें क्या है। वैसे हमारा इस सबके साथ तो कोई लेना देना तो है नहीं, जो भी मामला है सुधा और वैशाली के बीच का है वो हम पता कर लें, इस केस के साथ किसका लेना देना है किसका लेना देना नहीं। फिलहाल अभी हम चलते हैं। मिश्रा, मुझे छोड़ो, मुझे मारना है। यार गुड़िया बाहर नहीं जा सकती, बाहर लॉकडाउन है, जाते पुलिस अंकल लेकर आ जा। आजा इधर आ, मुझे मार ही नहीं रहा। गुड़िया बैठ इधर बैठ। क्यों शांत हो जा गुड़िया, क्यों बाहर जा रहे हैं? बाद में जाएंगे ना, बाहर जाएंगे बाद में, बाद में, बाद में, अभी अभी अभी। वैशाली, हमें तुमसे कुछ बात करनी थी। सर आप बाहर वेट कीजिए, मैं आती हूँ। प्लीज सर, प्लीज शांत हो, शांत शांत हो जाओ गुड़िया, शांत। गुड़िया को चॉकलेट चाहिए थी ना। रुक रुक, मैं तेरे लिए लेके आती हूँ, रुक जा रुक जा। गुड़िया चॉकलेट, शांत हो जा, शांत हो जा गुड़िया, शांत। अरे मेरी गुड़िया को खिलौने भी चाहिए ना। मैं लेके आती हूँ गुड़िया की डॉल। गुड़िया डॉल, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत। गुड़िया, हो ये ब्रेसलेट कितना अच्छा है, किसने दिया? मुझे भी चाहिए, मैं लेने लेके आई। मुझे भी शांत। ये गुड़िया बचपन से ही ऐसी है या कोई और वजह है? मेरी गुड़िया बचपन से ही ऐसी है, लेकिन माँ बाबू जी ने कभी से बोझ नहीं समझा। 10 साल पहले वो गुजर गए, लेकिन उनके जाने के बाद मैंने हर कोशिश की कि मैं गुड़िया को कैसे खुश रख सकूं, और मैं उसे खुश रखती भी थी, लेकिन जब से उसके साथ जबरदस्ती हुई है सर, वो आदमी को लेकर डर जाती है, चिल्लाने लगती है। वैशाली तुम्हें पता होगा कुंदन की बहन रेनू का मर्डर हो गया। जी सर। हमारे कांस्टेबल ने बताया कि कल रात जब वो गुड़िया को शांत रहने के लिए बोलने आया, तब तुम काफी देर बाद उसके पास पहुंची थी। कहाँ थी कल? आप कहना क्या चाहते हैं, कि मैंने रेनू का मर्डर किया? हो भी सकता है, क्योंकि कुंदन पे तुम्हारे बहन का बलात्कार करने का आरोप है। हमारे कांस्टेबल का कहना है कि उसने कल रात रेनू के घर के बाहर किसी औरत की परछाई देखी थी। सही कह रहे हैं आप,
बदला लेने के लिए मार सकती थी, लेकिन रेनू को नहीं, उसके भाई कुंदन को। रेनू तो बहुत अच्छी थी, मेरी गुड़िया का मुझसे ज्यादा ख्याल रखती थी, उससे बहुत प्यार करती थी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करवतुजा मंगलम तुल्य का चाहे स्वाहा सुधा नमोस्तुते। फूल डालिए सब लोग, माता जी आप भी डालिए फूल, पंडित जी की दक्षिणा दीजिए। मैं कब से ढूंढ रही हूँ। अरे ये घर ही आने वाले, पर आज इसकी गुड्डी और गुड़िया का शादी था, पर इसलिए रोक लिया। बधाई तो दे इसको। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस परिवार में ऐसा राक्षस निकलेगा जो मेरी गुड़िया के साथ ऐसा गलत कर सकता है। जिस किसी ने भी ये सब किया है ना, उस तक हम जल्द से जल्द पहुंच कर सख्त से सख्त सजा दिलवाने की कोशिश करें। सर गोपाल को बहुत तोड़ा, लेकिन वो अब भी यही कह रहा है कि उसने सुधा का रेप नहीं किया। लेकिन सुधा का रेप तो हुआ है, साबित भी हो चुका है। अब देखना यह है कि गोपाल को टूटने में टाइम कितना लगता है। और हाँ सर, रेनू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मोबाइल लोकेशन डिटेल्स आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत रात 1 और 3 के बीच गला घोटने की वजह से हुई। पहले उस पर कटार जैसी किसी तेज धार वाली चीज से वार किया गया, फिर उसके बाद तार जैसी किसी चीज से उसका गला घोटा गया। मोबाइल रिकॉर्ड्स में कुछ खास नहीं मिला। सर ये हो सकता है कि रेनू ने अपने आप को बचाने के लिए हाथापाई की हो और इस दौरान उससे कटार छीन ली हो। लेकिन रेनू की बॉडी पे हमें स्ट्रगल के मार्क्स नहीं मिले, उसके नाखून तक साफ। रेनू के घर से जो कटार मिली थी उस पर किसी की उंगलियों के निशान मिले? नहीं सर, क्लीन है। मतलब साफ है कि किसी ने जानबूझकर निशान मिटाए। क्या सचमुच सरपंच या उसके बेटे का इस केस में हाथ हो सकता है? या फिर अगर सरपंच की बात माने तो पूरा गांव सुधा के परिवार का दुश्मन था। क्या उनमें से कोई एक गुड़िया को न्याय दिलाने के लिए सुधा के परिवार के साथ ये सब कर सकता है? कांस्टेबल ने कहा था उसने उस रात रेनू के घर के बाहर किसी औरत को देखा। सर वो औरत तो कोई भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी है कि उसका इस केस के साथ कोई लेना देना हो। ना हो ये सब गुड़िया के रेप केस से जुड़ा हुआ है। कोई तो है जो सुधा के परिवार से बदला लेना चाहता है। ये तुम्हारी डिंग 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 बाहर तक आ रही है आवाज, सुंदर शांति से पूजा नहीं कर सकती क्या? हम तुमसे बात कर रहे हैं। हेडफोन निकाल। मां बेटे ने जीना हराम करके रखा है। अगर पुलिस को पता चल गया ना कि तुम दोनों यही हो तो पता है क्या होगा? तुमसे बात कर रहे हैं। अरे पता चल गया तो क्या होगा? हाँ अगर पता चल गया तो क्या होगा? हम किसी से डरते हैं? अरे पापा आप भूल गए क्या? आप इस गांव के सरपंच हैं, सरपंच। अरे आप तो किस बात का डर पापा? अरे डर नहीं रहे, तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जानते हैं पुलिस क्या हाल करेगी तुम्हारा? अरे वो क्या करेंगे और कैसे करेंगे, जब कोई साबित ही नहीं कर सकता कि हमने कुछ किया है तो। अरे ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, जितना हम बोल रहे हैं उतना ही करो, घर के अंदर चुपचाप रहो, समझे? तुझे पता है ना वो सिर्फ उम्र में बड़ी है, दिमाग उसका अभी 5 साल का है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई उसके साथ ये सब करते हुए? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने फाइल पढ़ी है तेरे केस की, गुड़िया के साथ जब रेप हुआ तेरे मोबाइल की लोकेशन उस समय घर पे ही थी। सर मैं नहीं था घर में, मेरा फोन घर में था। सर मैं तो मार्केट गया हुआ था कुछ सामान लेने के लिए, फिर उसके बाद वहां से मैं अपने दोस्तों के पास चला गया सर। अबे तू क्या ये औरतों वाले काम करने लग गया? अच्छा मैं औरत, मैं घर में नहीं रहता क्या? खाना नहीं खाता क्या? सामान लेके आ गया इसका मतलब मैं औरत? अरे तुम जैसे मर्दों के चक्कर में ना घर में कलेश होते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, जो भी करना है कर ले, चल आ जा कैरम खेलने चलते। चल चल बैठ बैठ। नहीं नहीं अभी नहीं यार, फिर माँ चिल्लाने लगी, तुझे पता तो है सब। अरे काकी तुझे वापस आने नहीं देगी, बाद में सामान लेके जाएंगे, चल आ जा बैठ। तू भी ना मानता नहीं है सच में, तेरा कैरम ना हो गया पता नहीं क्या हो गया। ये भी तो हो सकता है तूने पहले गुड़िया का रेप किया, उसके बाद जानबूझकर बाजार गया सामान लेने के लिए ताकि किसी को तुझ पे शक ना हो। सर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं विवेक के घर में था। आप चाहो तो विवेक से पूछ लो सर, बुला के सच बोल रहा हूँ। कुंदन सच बोल रहा है सर, उस दिन मेरे साथ ही था। ये बात आपसे पहले वाले जो अफसर है ना उनको भी बताई थी मैंने, लेकिन वो सरपंच का बेटा प्रताप वो तो कुंदन के पीछे ही पड़ गया, जैसे कि उसने ही गुड़िया का रेप किया। प्रताप ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो कुंदन से चिढ़ता था साहब, एक दो बार दोनों में झगड़े भी हुए थे। गांव में सारे लोग प्रताप से डरते हैं साहब, क्योंकि उसका बाप है ना सरपंच है, ऊपर तक पहुंचे उसकी। लेकिन कुंदन प्रताप से नहीं डरता था साहब, उल्टा जवाब देता था उनको। अबे विवेक
ये तुम्हारा बाइक है ना यार? एक राउंड दो ना, देखें कैसा चलता है यार ये। हाँ यार प्रताप, अभी पेट्रोल नहीं है, घर पे भी जाना है, बाद में ले लेना ना। अबे हम तुम्हें रोक रहे हैं क्या? मना कर रहे हैं क्या घर पे जाने के लिए? कमाल कर, तो लाओ चाबी दो हमको। अरे भाई एक ही राउंड तो मांग रहे हैं, तो क्या हुआ भाई? ये समझ में नहीं आता क्या? मना कर रहा है ना, खाली है ऊपर वाला। प्रताप हमेशा कुंदन से लड़ने का बहाना ढूंढता था साहब। जिस दिन गुड़िया का रेप हुआ उसके बाद तो कुंदन के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गया, जैसे कि उसने ही गुड़िया का रेप किया हो। तुम ये बात यकीन के साथ कह सकते हो कि गुड़िया का रेप कुंदन ने नहीं किया? अभी वो मुझे तो पता नहीं साहब, मुझे तो वो मार्केट में मिला था, उसके पहले उसने क्या किया मुझे क्या पता सर। सर पॉसिबल है कि कुंदन ने मार्केट जाने से पहले गुड़िया का रेप किया हो सकता है। मिश्रा ये सुधा के रेप केस में कोई नया क्लू मिला क्या? सर अब तक कुछ नहीं। ये सुधा का रेप जिसने किया है, मुझे लगता है शायद उसी ने रेणु का मर्डर भी किया। सर गोपाल सरपंच और उसके बेटे की मोबाइल लोकेशन चेक की, किसी की भी लोकेशन रेणु के घर के पास की नहीं थी। एक काम करो, जिस रात सुधा का रेप हुआ उस रात पंचायत घर के आसपास कितने लोगों का मोबाइल एक्टिव था या कितने लोग उस एरिया में थे पता करो, शायद उसी से हमारे कुछ हाथ लगे। जी सर। गुड़िया इतना शोर क्यों कर रही है? बंद कर। गुड़िया कितना शोर मचा रही, उतार इसे उतार, वापस पुलिस आ जाएगी वरना। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए। केक तुम्हारे लिए है, लो लो घबराओ नहीं। तो एक काम करते हैं, मैं यहां रख देता हूं, अब यहां से ले लो नहीं तो बिल्ली ले जाएगी। सर खबरी का फोन आया, सरपंच ने हमसे झूठ कहा है, प्रताप और उसकी माँ घर में ही छुपे हुए। मिश्रा एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके सरपंच के घर का सर्च वारंट निकलवाओ। सर घर का चप्पा चप्पा छान मारो। इंस्पेक्टर आप हमारे घर में ऐसे नहीं घुस सकते। अगर तूने कुछ किया ही नहीं था तो फिर इतने दिन से घर में छुपा क्यों बैठा था? हम डर गए थे सर। सरपंच जी का बेटा होके डर गया था? मैं बताता हूँ तू क्यों डर गया था। नहीं सर, ना हमने उसका रेप किया और ना ही हमने किसी का मर्डर किया है सर। देखा मिश्रा जी, ये तो फिर डर गया। अच्छा एक बात बता, गुड़िया के रेप केस में और कुंदन को पकड़वाने में तेरा इतना इंटरेस्ट क्यों था? सरपंच, कुंदन ने मेरी गुड़िया के साथ गलत की, उसका रेप किया। सरपंच हमें न्याय दिलाइए, उसे सजा दिलवाइए। सरपंच हम देखते हैं उस कमीने कुंदन को। और वैशाली, वैशाली तुम बैठो, यहाँ बैठो, तुम चिंता मत करो। और देखो उस कुंदन को ना हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे, तुम चिंता मत करो। सर हम वैशाली को बहुत पसंद करते थे और कुंदन से हमारा झगड़ा हो गया था, तो हमने सोचा कि एक बार कुंदन को सजा दिलवा दें तो हमारे दोनों काम हो जाएंगे, हमें वैशाली भी मिल जाएगी
और कुंदन की भी अकल ठिकाने आ जाएगी। तब तो ये भी हो सकता है कि वैशाली को पाने के लिए और कुंदन को सबक सिखाने के लिए तूने गुड़िया का रेप किया और कुंदन पर इल्जाम लगा दिए। दरअसल तेरा, वैशाली का और कुंदन का घर आसपास, तो जाहिर सी बात है कि तीनों के मोबाइल की लोकेशन भी सेम होगी। ये बात तुझे पता थी कि हमें लोकेशन ढूंढने में मुश्किल होगी, लेकिन जब तुझे ये पता लगा कि कुंदन बेल पर छूटने वाला है तो तू, जैसे तेरी आदत है डरने की, तू डर गया। नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। मिश्रा, जरा सरपंच जी के बेटे की अच्छी तरह से खातिरदारी करो। हाँ तो बिंदु जी, आप पुलिस से क्यों छुप रही थी? अपने बेटे की वजह से। बेटे की वजह से या अपनी वजह से? जिस रात रेनू का कत्ल हुआ, हमारे कांस्टेबल ने वहां से किसी औरत को भागते हुए देखा था, कहीं वो आप तो नहीं थी? ये आप क्या कह रहे हैं? हमें क्यों फंसा रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया है। तो फिर किसने किया वो बताइए। नहीं बताएंगे यार। मिश्रा, इनके बारे में पूरी जानकारी निकालो, कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशन सब। बिंदु घबराओ मत, हमने अपने वकील से बेल के लिए बात कर ली है, वो बेल ऑर्डर लेके जल्दी से आता ही होगा। अंदर किधर, बाहर रुको। जानते नहीं कि हम सरपंच हैं, हमारी पत्नी है वो। तो क्या हुआ, चलो बाहर बाहर। कुमार, कुमार आने दो। इंस्पेक्टर, ये क्या, मेरी पत्नी है ये? पंचायत घर एरिया में उस रात जो नंबर्स एक्टिव थे उनमें से एक नंबर विवेक का है। और कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि सुधा ने उस रात विवेक को फोन किया था, और उसके बाद विवेक की मोबाइल की लोकेशन पंचायत घर एरिया की, और उसके बाद सुधा और विवेक दोनों की मोबाइल की लोकेशन सुधा के घर के एरिया की, और फिर दोनों की वापस मोबाइल की लोकेशन पंचायत घर एरिया की। तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया जिस रात सुधा जी का रेप हुआ था तू पंचायत घर भी गया था? साहब आपने पूछा ही नहीं था, वैसे भी काकी ने बुलाया था इसलिए मैं वहां पे गया था। हमने पूछा नहीं, हमने नहीं पूछा तो शायद इसलिए तुमने भी हमें नहीं बताया कि बाद में तुम दोनों मिलकर तुम्हारे घर गए थे। क्यों गए थे? तुम्हारी बेटी रेनू का मर्डर करने? नहीं साहब, हम घर गए थे क्योंकि हम घर जाना चाहते थे। वो तो गोपाल ने जबरदस्ती हमें पंचायत घर में बंद कर रखा था। हमने रेनू को भी कहा था कि दरवाजा खुला रखे, हम रात को आएंगे। हमने पंचायत घर से निकालने के लिए विवेक को भी फोन किया था। देखना सब ठीक हो जाएगा, हमने बात कर ली है, कुंदन को बेल भी मिल जाएगी और वो बड़ी भी हो जाएगा। ए, कौन है उधर, घर से बाहर क्यों निकली? पता नहीं कोरोना फैला हुआ है। ए, रुक। हमें तो ये बात जीने नहीं दे रही कि हम कांस्टेबल के डर से वहां से भागे क्यों। पुलिस के दो चार डंडे ही खा लेते, कम से कम हमारी बेटी तो हमारे साथ होती। तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन साफ साफ ये बताती है कि तुम दोनों पंचायत घर में काफी देर तक थे। ऐसा नहीं है साहब, विवेक तो हमें पंचायत घर में बंद करके चला गया था। काकी एकदम सही कह रहे हैं। नहीं, काकी और तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। तुम दोनों पंचायत घर में काफी देर तक रुके थे, जहाँ तुमने शारीरिक संबंध बनाए, जैसे तुमने रेप का नाम दिया। किस लिए? सरपंच को फंसाने के लिए, क्योंकि आपको ये लगता था कि सरपंच आपके बेटे कुंदन को फंसाना चाहता है, इसलिए उसके बेटे प्रताप को फंसाने के लिए आपने अपने बेटे का मर्डर तक कर दिया। साहब आप ये क्या बोल रहे हैं साहब? मिश्रा, इन दोनों को अंदर डालो, खुद सच उगलते हैं तो ठीक है, वरना इनसे सच उगलवाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है साहब। सर मैंने पता किया, रेनू नहीं चाहती थी कि कुंदन को बेल मिले, और इस बात को लेकर माँ बेटी में अक्सर झगड़े होते। आप अपने नालायक बेटे के बारे में सोच रही हो, आप क्यों उसकी बेल करवा रही हो? कमाल की बात है मिश्रा, बेटे को बेल दिलाने के लिए बेटी की बलि चढ़ा दी। अब तो मुझे लगने लगा है कि कहीं कुंदन ने ये सब किया हो तभी उसकी माँ उसे। क्या हुआ सर? बता दो सर।
बुढ़िया मैं बताता हूं तुझे क्या हो गया था। तेरे अंदर का राक्षस बाहर आ गया था। तुझे लगा वो बच्ची किसी को कुछ बता नहीं पाएगी, मौके का फायदा मैं उठा लूं, है ना? एक बात बता, मैंने गुड़िया के केस की फाइल पढ़ी थी। तू अगर कुंदन के घर पे था तो तेरे फोन की मोबाइल लोकेशन कुंदन के घर की क्यों नहीं बता रही थी? क्योंकि सर मैं कुंदन को बहुत देर से फोन लगा रहा था। सर कैरम खेलने का प्लान पहले से ही था हमारा, तो उसको बुलाने के चक्कर में मैं अपना मोबाइल घर पे ही भूल गया सर। सुधा का रेप तूने किया ना? क्यों किया? वो क्या है ना सर, मुझे रेड लाइट एरिया जाने की बहुत गंदी आदत है और लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, तो मैं बहुत दिन हो गए थे वहाँ पे गया नहीं था सर। और जब रात को सुधा काकी और मैं अकेले थे तो मैं खुद को रोक नहीं पाया सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या हो गया। हाँ, ये दूसरे कान पे लगाओ, सुनाई दिया लो। लगता है इसे ये शौक मेरे माँ बाबूजी से मिला है। मतलब? मेरे बाबूजी इकतारा बजाते थे और माँ नाचती थी, ये उनकी तरह संगीत में बहुत आगे जाती। इसके लिए हमने एक एनजीओ से भी बात की जो उसका ध्यान रखेंगे। पता नहीं इस मासूम ने किसका क्या बिगाड़ा था तो इसके साथ ये सब हो गया। आज तक इसने मुझे भी नहीं बताया कि ये सब किसने किया। जिन लोगों पर हमने विश्वास किया उन लोगों ने हमारे साथ ये सब किया। गुड़िया तो कुंदन को अपना भाई मानती थी और उसने मेरी गुड़िया के साथ ऐसा गलत काम किया। नहीं वैशाली, गुड़िया के साथ जिसने दुष्कर्म किया वो कुंदन नहीं बल्कि कुंदन का दोस्त विवेक है। वो हमारी गिरफ्त में है, उसने कबूल किया है ये बात। अब तक मैं सुधा काकी और कुंदन को गलत समझ रही थी। फिलहाल हमें तो लगता है कि रेनू का मर्डर भी विवेक ने ही किया। तार जैसे किसी चीज से उसका गला घोटा गया। मेरे बाबूजी इकतारा बजाते थे। गुड़िया के साथ जिसने दुष्कर्म किया वो कुंदन नहीं बल्कि कुंदन का दोस्त विवेक है। वैशाली, तुम्हारे पापा जो एक तारा बजाते थे हमें वो देखना है। मिश्रा, एक तारा फॉरेंसिक के लिए भिजवाओ। हाँ तो वैशाली, तुम्हारे पापा जो एक तारा बजाया करते थे उसके तार पे से जो हमें ब्लड ट्रेसेस मिले थे जिसमें साफ साफ लिखा है कि वो ब्लड ट्रेसेस किसके थे, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है। मुझे पता चला। क्या कुंदन की बेल हो रही है? कुंदन का बेल होकर उसी रात घर आने वाला था। मैंने तभी सोच लिया था उसे जान से मार दूंगी। रेनू बहुत अच्छी लड़की थी। लेकिन अब दुखी होने से कोई फायदा नहीं। बुढ़िया का ध्यान तो तुम नहीं रख पाई, हम रखेंगे उसका ध्यान। स्मिता जी चलो। अपराध को अपराध करके न्याय पाने की कोशिश से अपराध कम नहीं होता है बल्कि और बढ़ता है। एक और मामला है जहां हमें सतर्क रहने की जरूरत है और वो है कोरोना वायरस। इसलिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों का। बेवजह बाहर ना जाएं और अगर बाहर जाएं तो मास्क पहने और समय समय पर अपने हाथ धोते रहें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।